तो मैंने सोचा कि यार अगर इतनी ऑडियंस के पास मेरा कंटेंट चला जाना है तो यार एक ही दिन में 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स तो ऐसे ही आ जाने हैं, और आपका भाई पहले ही महीने में यूट्यूब पर आग लगा देगा। तो यार मेरी ये वाली वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी हटकर होने वाली है, और इसमें मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो यार बेसिकली मैं इस वीडियो में 2 चीजें शेयर करने आया हूँ और उनसे रिलेटेड अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताने आया हूँ, और वो 2 चीजें हैं लालच और धोखा। यार बचपन से लेकर हम बड़े हो गए और हमने सिर्फ यही सुना है अपने बड़ों से, और खास तौर पर सिंधी में बहुत पढ़ा है कि लालच बुरी बला आहे। और लालच से रिलेटेड मैंने अपने पूरे बचपन में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानियां सुनी है। ओ यार तू उसी मुर्गी की बात कर रहा है ना जो सोने के अंडे देती थी, मगर उसके फार्मर ने लालच में आकर उसका पेट फाड़ दिया था और अंदर से कुछ भी नहीं निकला था। हाँ यार मैं उसी मुर्गी की बात कर रहा हूँ। बाय द वे ये मैंने स्क्रिप्ट में इस वजह से डाला है ताकि जिनको नहीं मालूम है तो उनको मालूम हो जाए कि ये सोने के अंडे वाली मुर्गी का क्या सीन था। बट यार मैं तो बचपन से ही इस चिलिंग्स में था कि यार ऐसा सब तो सिर्फ कहानियों में ही होता है, और या फिर सिर्फ हमें डराने और सबक देने के लिए ही बताया जाता है। तो मैं इन्हीं चिलिंग्स में था कि यार ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, मगर फिर जब मेरे साथ ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ तो मैं होश में आया कि भाई जो हमें बचपन में कहानियां बनाकर बताया जाता था वो रियल लाइफ में भी होता है। तो यार एक्चुअली ये बात तब की है जब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल नया नया स्टार्ट किया था, और आई गेस मैंने अपने चैनल पर 1 या 2 ही वीडियोस डाली थी, और उन्हीं दिनों मैंने हेरा फेरी देखी थी और राजू से बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था, और उसकी इन्फ्लुएंस में मेरे लिए सिर्फ इतना ही फर्क था कि वो कहता है कि पैसे तो कमाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, और मैंने बोला था सब्सक्राइबर्स तो लाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। तो यार उसी शॉर्टकट तरीके की तलाश में मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था कि कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं, तो मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों नहीं टिकटॉकर से ही अपनी प्रमोशन करवा ली जाए, क्योंकि यार चैनल के स्टार्ट में ही किसी इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर से प्रमोशन करवाना इम्पॉसिबल था और अभी तक इम्पॉसिबल ही है। तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान के टॉप टिकटॉकर से कॉन्टेक्ट किया और मैंने अपनी डील ये रखी कि मैं उनका डिजिटल पोर्ट्रेट बना दूंगा एंड इन रिटर्न दे विल गिव माई चैनल अ शाउट आउट। तो यार पहले तो काफी टिकटॉकर्स ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि यार उस वक्त मेरे भी इंस्टाग्राम पे अराउंड 500 फॉलोअर्स थे। कुछ ने डायरेक्टली मना कर दिया और कुछ ने आगे से पैसों की डिमांड की, और उनकी पैसों की डिमांड सुनकर मैं खुद ही आगे से बढ़ लिया, क्योंकि यार उस वक्त और अभी भी आई एम ब्रोक AF। मगर कुछ टिकटॉकर्स इसके लिए रेडी भी हो गए, और यही वो मौका था जहां से मेरी लालच शुरू हुई, क्योंकि उन टिकटॉकर्स में से एक के इंस्टाग्राम पर 100K प्लस फॉलोअर्स थे, एक के अराउंड 30K फॉलोअर्स थे, और एक के 85K फॉलोअर्स थे, और उस वक्त मेरे ऑलमोस्ट अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने सोचा कि यार अगर इतनी ऑडियंस के पास मेरा कंटेंट चला जाना है तो यार एक ही दिन में 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स तो ऐसे ही आ जाने हैं, और आपका भाई पहले ही महीने में यूट्यूब पर आग लगा देगा। और मैं इसी के सुहाने ख्वाब देख रहा था, और उन्हीं सुहाने ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने जैसे की थी वैसे ही काम किया। तो यार जब मैंने अपना काम कर दिया तो मुझे टिकटॉकर से शाउट आउट विद स्वाइप अप्स मिल गए, और उन टिकटॉकर्स में दुआ मरियम और 1-2 और हैं। बट यार एक बंदी है जो फिलहाल पाकिस्तान के टिकटॉक के टॉप पर जा रही है, उसने मेरा पूरा काम नहीं किया। हमारी बात हुई थी कि वो मेरा लिंक अपने अकाउंट के बायो में डालेगी, बट उसने बोला कि बायो में तो उसका अपना लिंक डला हुआ है, वो मुझे पोस्ट पर अपने टैग कर देगी और स्टोरी पर स्वाइप अप शाउट आउट दे देगी। तो यार मैंने उसको उसका पोर्ट्रेट तो बनाकर दे दिया, एंड इवन मैंने उसकी ख्वारी बचाने के लिए उसको अपने चैनल का लिंक दिया और पूरा अपना स्टोरी के लिए स्क्रीनशॉट बनाकर दिया, जो कि मैं अभी लगा रहा हूँ, जिस पर उसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और सिर्फ लिंक डालकर स्वाइप अप बनाकर शाउट आउट दे देती। मगर यार उसने मुझे शाउट आउट नहीं दिया, और बाद में मैंने जब उसे रीच आउट किया तो कोई जवाब भी नहीं मिला। और मुझे सबसे बुरा तब लगा जब उसने मेरा पोर्ट्रेट अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल पिक्चर पर यूज किया। तो ये देखकर मैंने टिकटॉक पर इस चीज को रिपोर्ट भी किया, बट यार मुझे कहाँ से जवाब मिलता है टिकटॉक की तरफ से, क्योंकि उसके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थे। तो खैर मैंने बस सबर किया और अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो यार मैं बस जाते जाते यही बोलूंगा कि लालच नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि मैं लालच में आ गया था तो इस वजह से मेरा टाइम जाया हुआ। और हाँ एक चीज जो काफी लोग बोलते हैं कि आप तो अभी स्टार्टअप हो, आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, तो यार मैं कहूंगा कि जरूर करना पड़ता है, मगर यार मेरी तो उस टिकटॉक इन्फ्लुएंसर से डील हो चुकी थी और उसने अपने अल्फाज के मुताबिक काम नहीं किया। तो यार बस कभी भी लालच नहीं करनी है और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है। अगर हम लोग किसी से किसी चीज का वादा कर लें तो वो हमें कुछ भी हो जाए हर हाल में पूरा करना चाहिए है, और अगर हम भी अपना वादा पूरा ना करें तो हम में और दूसरों में क्या फर्क रह जाना है। तो यार इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि हमेशा अपना वादा पूरा करना है, लालच में नहीं आना है, और शॉर्टकट तरीके की तलाश नहीं करनी है, बल्कि अपना बेस्ट देना है और अपनी पूरी
पूरी मेहनत करनी है और फिर बाकी के रिजल्ट्स अल्लाह पर छोड़ देने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बस नीचे लाइक के बटन पर थोड़ा सा प्यार दिखाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो यार इस सफर को अधूरा ना छोड़ो, उस सब्सक्राइब के बटन को लाल से सफेद करते हुए जाओ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।